बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और नॉर्मल मेथड। मेरे पास पहला क्वेश्चन है 1/(1+e−x)। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है कि जिसकी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कोई उस पर असर नहीं डालती, एज इट इज़ फंक्शन जो वो रहता है। डिपेंड करता है कि पावर जो है उसकी ऊपर जो भी हो, डेरिवेटिव में ही होता है, पावर उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है पहले आके, और जो इंटीग्रेशन में ये होता है कि उसका जो पावर है वो नीचे आके डिवाइड हो जाती है। बट अगर नॉर्मल फंक्शन है तो उसका एक्सपोनेंशियल वही रहता है फंक्शन। तो यहाँ पे थोड़े से नॉर्मल तो वो नहीं देते क्वेश्चन एग्जाम में, तो इस तरह के थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है और फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट जो है वो किया जाता है। पुटिंग के जरिए भी एक दो क्वेश्चन करेंगे और एक दो जो है वो नॉर्मल मैथड से भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बाद अवत पेपर में आ जाते हैं कि सब्सिट्यूटिंग मैथड से करें और या सिंपल कह देते हैं इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो फिर आपको जो ईजी लगे वो आप अटैम्प्ट करें। 1/(1+e−x) में सबसे पहले हम माइनस के सिंबल को ख़त्म करेंगे, 1+(1)(e(x)(dfx)। तो यहाँ पे ex कॉमन लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे, e·x+1 और ऊपर 1 आया इट इज़ आएगा, ये ex ऊपर जाएगा, e·x/(1+e·x)(dfx)। ये इंटीग्रेशन होगी। तो अगर हम देखें तो फॉर्म टू के लिहाज से भी हो सकते हैं, लेकिन मैं चलें पुटिंग के जरिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ये करें कि सिंस टी इज़ इक्वल टू 1+e·x, इसकी लेंगे डेरिवेटिव लेंगे, dt/dx इज़ इक्वल टू e·x/(dfx)। तो यहाँ पे ex dx tt में रिप्लेस हो जाएगा और 1+ex जो है वो t में रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ये करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ex dx की जगह dt डाल दिया जाएगा और 1+ex की जगह t लिख देंगे, और 1/t जो फॉर्म टू यहाँ पे भी तो इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि log ऑफ t+c, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। log ऑफ t की जगह दोबारा मैं 1+ex पावर में लिख दूंगा +c, ये इसकी जो है वो इंटीग्रेशन इस तरह होगी बाय पुटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है e·4x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज e·4x/(1+3e·4x)। तो इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसको, इसको मैं पहले नाम दे देता हूँ इक्वेशन वन का। नाउ वी हैव टू पुटिंग t=1+3e·4x। 3e·4x जो मेजर फंक्शन होता है उसको हम जो है वो टी पुट कर सकते हैं या कोई और वेरिएबल में पैरामीट्रिक फंक्शन बना के हल कर सकते हैं। 1+3e·4x, तो यहाँ पे जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो dt/dx इज़ इक्वल टू 1 का 0, 3 शुरू में और उसके बाद 4x, 3 जो है वो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। e·4x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है e·4x एज इट इज़, और 4x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है 4, और यहाँ पे dt=3, 4 से 12 हो गया, 12e·4x, तो dx डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे t आ जाएगा e·4x dx, e·4x dx के साथ 12 जो है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं 12 को dt में शिफ्ट कर दूँगा, e·4x dfx इज़ इक्वल टू dt डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन वन इम्प्लाइज़ वन जो है हम ये कह सकते हैं कि वन जो है बनती है हमारे पास e·4x dx, यहाँ पे 1/(1+3e·4x)। तो अभी e·4x dx की जगह dt/12 और यहाँ पे इसकी भी रिप्लेस कर देंगे t में, 1/(1+3e·4x) जो है वो t है, यहाँ पे t लिख देंगे और e·4x dx की जगह dt/12 जो है वो लिख देंगे। अभी ये 12 कांस्टेंट है, बाहर शिफ्ट कर दें, 1/12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dft, 1/12 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, फॉर्म टू log ऑफ t+c, t विल बी रिप्लेस बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू, 1/12 इंटू log ऑफ t, हमारे पास 1+3e·4x है, 1+3e·4x। तो ये इसकी जो है वो इंटीग्रेशन होगी बाय पुटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e·1/(x)/(x²)। तो यहाँ पे
यहाँ पे ये करेंगे कि ई की पावर वन ओवर एक्स जो है इसको मैं टी पुट कर दूंगा, यहाँ पे टी इज़ इक्वल टू वन ओवर एक्स करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स इन टू इसका जो डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी एक्स, एक्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, एक्स को ऊपर जो है शिफ्ट करेंगे बनेगा माइनस वन, तो ये जनाब डी टी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन स्टार्ट में इन टू एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन, और ये बनेगा माइनस वन ओवर एक्स की पावर माइनस टू है तो नीचे आएगा तो प्लस टू बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी टी इज़ इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इन टू डी एफ एक्स। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन वन का, ये सारी पुटिंग होगी और एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन जो वो यूज़ होंगे, ये इसमें सब्सिट्यूटिंग की प्रोसेसिंग है, वैल्यू फाइंड की है हमने डी टी की यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन जब भी पुटिंग करते हैं तो पूरे क्वेश्चन को किसी दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं क्योंकि दो वेरिएबल इकट्ठे डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर वन ओवर एक्स, ई पावर वन ओवर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स, ये क्वेश्चन वन जो है वो हमारे पास इम्प्लाई हो रही है। यहाँ पे इसकी आप पुटिंग करेंगे ई पावर वन एक्स की जगह ई की पावर वन ओवर एक्स जो है वो टी में शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे जो डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है इसको बेशक दो पार्ट्स में इंटीग्रेट पुटिंग कर लें ताकि समझ आ सके, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये माइनस है बेशक हम इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, और इसको मैं कह दूंगा माइनस ऑफ डी टी, डी टी माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा। सिंपल ई टी की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है जस्ट ई पावर टी, तो हम लिखेंगे माइनस ई पावर टी प्लस सी, टी को दोबारा आखिर में हम कह देंगे वन ओवर एक्स प्लस सी, तो ये इसकी जो है वो इंटीग्रेशन ऐसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो पावर में एक्स स्क्वायर है उसको मैं टी पुट करूँगा, यहाँ पे टी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे टू एक्स डी एफ एक्स ये बन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ई पावर एक्स स्क्वायर इन टू एक्स डी एक्स, तो एक्स ये वाला इसके साथ हो, यहाँ पे टू हमें चाहिए, या आप कह लें कि एक्स डी एफ एक्स और यहाँ पे डी टी बाई टू, टू इधर शिफ्ट कर दें एक्स डी एक्स की जगह और इसकी जगह भी पुटिंग जो है वो जो बनती है वो कर दें, ई पावर एक्स स्क्वायर है तो ई पावर एक्स स्क्वायर की जगह हम टी डाल देंगे और यहाँ पे एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई टू लिख देंगे, ये टू बाहर शिफ्ट होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी डी टी वन ओवर टू ई पावर टी ही आएगी, वन ओवर टू ई पावर टी की जगह मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसकी जो है वो इंटीग्रेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ई पावर एक्स कॉस ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ई पावर एक्स को टी पुट किया जाएगा, देन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डी टी ई पावर एक्स डी एक्स ये पुटिंग करेंगे, तो ई पावर एक्स और डी एक्स इसकी जगह डी टी, और कॉज ऑफ ई पावर एक्स है तो उसकी जगह मैं टी लिख दूंगा और यहाँ पे हम लिख देंगे डी टी, कॉज की जो इंटीग्रेशन होती है साइन की डेरिवेटिव कॉज, तो कॉज की इंटीग्रेशन साइन होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन ऑफ टी प्लस सी, तो यहाँ पे टी को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से साइन ऑफ ई पावर एक्स प्लस सी, दिस इज़ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पावर थ्री कॉज ऑफ टू एक्स इन टू टू साइन ऑफ टू एक्स, तो इसमें हम दो पुटिंग कर सकते हैं, साइन को भी रिप्लेस कर सकते हैं और कॉज को भी, क्योंकि पावर में अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो पावर बनानी ज़रा मुश्किल होगी, लिहाजा अगर पावर को सॉल्व किया जाए पुटिंग कर दूं तो उसकी जगह जो भी वैल्यू डी एक्स के साथ बनेगी वो ये वैल्यू बन सकती है, तो अभी मैं इसको हल करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले पुटिंग करेंगे इसकी जो ये पावर है इसको पुटिंग करेंगे टी, टी इज इक्वल टू थ्री कॉज ऑफ टू एक्स, फाइंड करेंगे वैल्यू डी टी की, डी टी इज इक्वल टू थ्री बाहर ही रहेगा, कॉज की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस साइन ऑफ टू एक्स इन टू टू एक्स का फिर डेरिवेटिव और वो है टू, और साथ में ये डी एक्स उधर आ जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस थ्री टू द सिक्स साइन ऑफ टू एक्स डी एफ एक्स, और यहाँ पे है डी टी, तो यहाँ पे मेरे पास है जनाब
सिक्स साइन टू एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे टू है जस्ट, तो यहाँ पे टू है तो इसको बना लेते हैं, टू ई पावर थ्री कॉस ऑफ टू एक्स, थ्री कॉस ऑफ टू एक्स, और यहाँ पे सिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस थ्री, माइनस सिक्स है तो माइनस थ्री से मैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड भी कर देता हूँ, इंटू टू साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये करेंगे अभी, इसको जस्ट हल करेंगे, माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर थ्री कॉस ऑफ टू एक्स इंटू माइनस सिक्स साइन ऑफ टू एक्स डी एफ एक्स। अभी यहाँ पे पुटिंग जारी रखेंगे, यहाँ पे ई पावर थ्री ई है, टी कॉस टू एक्स की जगह टी डाल दिया जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देंगे डी टी, तो यहाँ पे माइनस वन ओवर थ्री बाहर ही रहेगा, ई टी की इंटीग्रेशन ई टी प्लस सी हो जाएगी और आखिर में टी को चेंज कर देंगे, टी विल बी रिप्लेस्ड बाय थ्री कॉस ऑफ टू एक्स प्लस सी, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है बाय पुटिंग मेथड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह मज़ीद जो इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।